IBC24 का जनसंवाद का ये पांचवा सेशन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है और जबलपुर की जनता बड़े धैर्य के साथ जनसंवाद के इस कार्यक्रम को सुन रही है। चूंकि हम ग्वालियर चंबल संभाग के बाद अब महाकौशल संभाग में पहुंचे हैं तो आज के हमारे तीन खास मेहमान हैं जनसंवाद के इस पांचवें सेशन पर। नंदिनी मारावी जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है इस मंच पर। और एकता ठाकुर जी हैं कांग्रेस की युवा नेत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और दिनेश राय मुनमुन जी भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सिवनी से विधायक हैं। ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर नाम रखते हैं। तो शुरुआत जाहिर सी बात है दो महिलाएं हैं और नारी पर बहुत बात हो रही है, नारी शक्ति को लेकर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो बात बहुत की जा रही है। तो शुरुआत मैं आपसे करूंगा नंदिनी जी, आपने भी ये एक योजना लेकर आई हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आई हैं और इसके पहले भी योजना को लेकर आ रही हैं, तो उसके बारे में आपने ये हमारे दर्शकों को बताइए कि उसका क्या क्यों लेकर आई हैं, उसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे महिलाओं का जो परसेंटेज था वो पुरुषों के मान से कम था, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई और लाडली लक्ष्मी योजना चलाने के बाद बेटियों का परसेंटेज मध्य प्रदेश में बढ़ा, जन्म दर बढ़ा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया था और उस नारा को भी सकारात्मक रूप में हमारे जनमानस ने लिया और बेटियों का जन्म दर बढ़ा, बेटों से थोड़ा सा ही कम है बेटियों का जन्म दर, नहीं तो बराबरी पे आ गया है। और लाडली लक्ष्मी आज 44 लाख बेटियां हमारे प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी हैं। बेटियों का सशक्तिकरण, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने अभी जब बेटी लाडली बेटी कॉलेज में प्रवेश करेगी तो 25,000 उसके कॉलेज की शिक्षा दीक्षा के लिए देंगे और जब बेटी का मेडिकल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होगा तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी और डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी करेंगे। एकता जी, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त करने के लिए इन योजनाओं को ला रही है, आप भी मतलब भले ही आपकी सरकार ना हो लेकिन आपने अपने रथ रवाना कर दिए हैं नारी सम्मान के, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को नमन करती हूँ, IBC24 को बहुत धन्यवाद देती हूँ, पूरी टीम को। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा से महिलाओं को सम्मान देती आई है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। नारी सशक्तिकरण की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम कमलनाथ जी ने उठाया है, 1500 रुपये हर महिला के खाते में बिना किसी शर्त के 18 साल से 60 साल वो देंगे और उसके अलावा भी 500 रुपये का सिलेंडर जो आज महंगाई की मार महिलाओं पे पड़ रही है, उनके घरों का बजट बिगड़ गया है, तो 500 रुपये सिलेंडर भी कहीं ना कहीं उन्होंने देने का वादा करके प्रतिज्ञा ली है और उस प्रतिज्ञा को वो निभाएंगे। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम है क्योंकि आधी आबादी जो है कहीं ना कहीं देश में महिलाओं की है और महिलाओं जो कि घर चलाती हैं आज देश भी चला रही हैं, प्लेन भी उड़ा रही हैं, चांद तक पहुंची हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। यानी बहुत अच्छी पहल है, ये तो बीजेपी कह रही है कि जो हम करते हैं, दिनेश जी कहने लगेंगे जो हम शुरू करते हैं आप लोग उसे तुरंत उसको लपक लेते हैं, हमने एक योजना शुरू की आपने तुरंत उसको लपक लिया, उसके पहले तो आप कुछ नहीं करते। देखिए उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, राजस्थान छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी स्कीमें चल रही हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य चल रहे हैं, आप भी जानते हैं। लाडली बहना योजना की अगर बात की जाए तो इतनी शर्तों के साथ हैं, आज महिलाएं परेशान हैं कियोस्क करवाने के लिए, आधार कार्ड सेंटरों में जाने के लिए, कहीं ना कहीं आज बेटियों की सुरक्षा भी मध्य प्रदेश में ताक पे है। महिला कॉलेज एक सिहोरा विधानसभा में नहीं है, एक महिला कॉलेज आज तक सिहोरा विधानसभा में नहीं हो पाया। नंदिनी जी आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, नंदिनी जी आप माइक ले लीजिए, आपकी बारी आएगी, मैं आपसे पूछूंगा, दिनेश जी से पूछूंगा,
इनकी बात हो जाए, ये संवाद है, ये डिबेट नहीं है। आप लोग जो आप इन्हें याद करते जाइए, मैं तुरंत आपके पास आऊँगा। तो कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती तो आज सिहोरा विधानसभा में एक महिला कॉलेज होता, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य किए जाते। आज महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं। सिहोरा विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो मंडी है वहाँ पे अहाता खुल गए हैं, महिलाएं वहाँ जाने से घबराती हैं, डरती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर ने बंद कर दी है मैडम, इसलिए ओपन हो गए, अहाता नहीं खुले हैं, अहाते ओपन हो गए हैं, अब वो पब्लिकली हो गए हैं, अब लोग पब्लिकली हो गए हैं, रोड पे हो गए हैं, किसान आता है, अहाता नहीं खुले हैं, अहाता गलत बात बोल रही हो तुम, महिलाएं अहाता शब्द को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है, अहाता मत बोलो उसको। नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी जी, एक मिनट, करने का काम हमने किया। और एकता जी, आपस में बात नहीं करनी, आप तीनों लोगों को बारी बारी से अपनी राय रखनी, आपने अपनी राय रख ली। दिनेश जी, एक सवाल उठ रहा है, एक युवा नेत्री उठा रही है कांग्रेस की, कि यहाँ पर बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, और महाकौशल के इस केंद्र जबलपुर से ये सवाल उठा रही हैं, जो कि संस्कारधानी भी कहा जाता है। मैं आ रहा हूं, उनसे जवाब ले लेता हूं। दिनेश जी, देखिए, बहन जो बात कर रही है वो असत है। सवाल जो उठता है, आज क्या हमारी बहनें इतनी कमज़ोर हैं जो आप वो कह रहे हैं कि कू एजुकेशन के कॉलेज नहीं होना चाहिए? सिहोरा में भी एक स्कूल, आपने कॉलेज की बात करी, अगर वहाँ पर कॉलेज है, अगर बच्चे बच्ची एक साथ पढ़ा, उसमें क्या आपत्ति है? अभी आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को अपराध में आगे हैं, अभी आपने बोला, आप ये बता दीजिए कि आपकी सरकार है वहाँ पर अपराध नहीं हो रहे क्या? हमारे प्रदेश में अगर कोई अपराध हो रहा है तो हमारी सरकार उतनी ही ताकत से उनको दंडित कर रही है। सबसे पहले फांसी की सजा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्लीज अभी मैं एक जवाब दे देता हूँ छोटा सा, इनकी सरकार रही। मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, देखिए प्लीज सुनिए ना, देखिए आप लोगों के प्रतिनिधि, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, आपके प्रतिनिधि जिन्हें आपने चुना है वो सक्षम है जवाब देंगे, और हमारी टीम जरूर आपके पास जाएगी, जरूर जाएगी, आपसे सवाल लेगी, आपसे भी। आखिर इतना हल्ला क्यों? लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना से आप बताइए, आपने भी अपनी 47 साल सरकार चलाई, आपने तो एक सोनोग्राफी मशीन ला के खड़ी कर दिए और बच्चियों को उनकी माँ की कोख में मारने का काम आपकी सरकार के समय हुआ। उस समय बच्चियों को पैदा होने से रोका, उस समय बच्चियां अधिक होने के वजह से दहेज प्रथा बढ़ी। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने उस बच्ची को जन्म लेने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना लाया, आपके पेट में दर्द क्यों? आज मैं बोलता हूं, जो कुकर्म हमने और आप सब समाज के लोगों ने किया, आज हमारी बेटियों की शादी के लिए लड़के वाले उनके घरों में जाके नाक रगड़ रहे हैं, दहेज उल्टा देते हैं और खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ आओ, लान में हम आपकी शादी करेंगे। ये योजना का फायदा आज हमारे समाज में बेटियों के लिए मिल रहा है, उसमें कांग्रेस के नेत्री को आपत्ति क्यों? अगर उस समय समाज में जिस तरीके से हमारी लाडली लक्ष्मी बेटी को जन्म से रोका, उस माँ को साथ जो अत्याचार हो रहा, अगर उसको सशक्त और मजबूत बना रही है हमारी सरकार, तो आपको तकलीफ क्यों? आप बोल रहे हैं ना 1500 रुपये देंगे, दो ना, कौन रोक रहा है आपको? हम तो अभी दे रहे हैं ना, अभी देंगे, हमारी सरकार अभी दे रही है। आप तो घोषणा कर रहे हैं, घोषणा कर करके आप सरकार में आना चाहते हो, आप करने क्या चाहते हो? आपके पास विजन क्या है? आपने ठीक है, अब एकता जी बताएंगे ना, आपने विजन का सवाल पूछा है कि उनके पास विजन क्या है। एक मिनट, तो कांग्रेस का वो विजन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि विजन क्या है, हमारा विजन तो स्पष्ट है, पर कांग्रेस का विजन स्पष्ट नहीं है। देखिए 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी की आई थी, विजन के साथ आई थी, और कमलनाथ जी ने ही 300 से पेंशन 600 की, कमलनाथ जी ने ही 25,000 जो शादी विवाह के लिए मिलते थे कन्याओं को, उन्होंने ही 51,000 किया। क्यों इन्होंने याद नहीं आई तब जब इनकी सरकार थी? कमलनाथ जी ने किया, बिजली बिल 100 यूनिट तक माफ़ करने का काम कमलनाथ जी ने किया, गौशालाएं खोली, जो ये लोग गाय की बात करते हैं, गौरक्षा की बात करते हैं, असली गौरक्षक तो कांग्रेस सरकार और कमलनाथ जी निकले। उसके अलावा जो भी जनहितैषी योजनाएं कमलनाथ जी कर सकते थे उन्होंने किया, और आज भी वो प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने प्रतिज्ञाएं लेके आए हैं, पुरानी पेंशन वो लागू करवाएंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करवाएंगे, 100 यूनिट पे कोई भी बिल नहीं लगेगा, 200 यूनिट पे बिजली बिल हाफ होगा, महिलाओं को जो सम्मान है
हर महिला को मिलेगा, ना कि सशर्त मिलेगा कि शादी हो गई, कि इनके पास 2 एकड़ जमीन है, कि इनके पास ट्रैक्टर है, कि इनके पास क्या है। बिना शर्त के 1500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे, 500 रुपये सिलेंडर के देंगे। और उसके अलावा भी आज जो युवा भटक रहा है, आज मध्य प्रदेश पूरी तरह, मध्य प्रदेश की बात करूं, चाहे जबलपुर की बात करूं, चाहे मैं सिहोरा विधानसभा की बात करूं, आप देख रहे हैं युवा पलायन की ओर है, युवा पलायन कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप रोजगार देने में अक्षम क्यों है? रोजगार कहाँ है? आज मध्य प्रदेश का युवा यहाँ पे एजुकेशन नहीं लेना चाहता। मध्य प्रदेश का युवा यहाँ से हो रहा, विधानसभा की अगर मैं युवाओं की बात करूँ तो वहाँ पे ढंग के कॉलेज नहीं है, ITI अभी तक ओपन नहीं हुई है सिहोरा विधानसभा में, सिहोरा में नहीं है, सिहोरा में नहीं है, मैं सिहोरा की बात कर रही हूँ, सिहोरा में ITI है। इस तरह से ये झूठ मत बोलो, मध्य प्रदेश जो है बुजुर्गों का प्रदेश होता जा रहा है, जबलपुर जो है, प्लीज तुम राजनीतिक दृष्टि से झूठ भरे बोल के यहाँ पर साबित मत करो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए ये आपकी विधानसभा को बार बार, एक मिनट, ये आपकी विधानसभा को बार बार टारगेट कर रही है, कह रही कि वहाँ पर विकास कार्य गिनाने के लिए आपके पास कोई काम नहीं है। ये अपने आप को कांग्रेस के प्रत्याशी मान बैठी है, इसलिए आप इससे पहले बोलो, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा, एक मिनट, मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा कि आप जनता के पास भी जाइए, जो भी IBC 24 के मेरे मेंबर है वो जनता के पास जाइए, उनसे भी सवाल करेंगे। को अगर कुछ देने का काम किया है तो नंदिनी मरावी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय सांसद राकेश सिंह जी ने किया है। सिहोरा में 2008 में आई थी तो गली में क्या किया? नाली करता नहीं था, रोड नहीं था, नाते आपने कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज बनाने का काम मैंने किया, बाईपास बनवाने का काम मैंने किया। देखिए एकता जी और नंदिनी जी, और प्लीज नहीं, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए ना, विधानसभा सिहोरा को अगर सवारने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जबलपुर के आप लोग मन चलाने की कोशिश ना कीजिए, यहाँ पर हूँ, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उन्हें बराबर बराबर मौका दिया जाएगा ना, बराबर दिया जाएगा, ठीक है नंदिनी जी? अब आप ठीक है नंदिनी जी, अब आपसे मेरा सीधा प्रश्न है, बार बार वो आपकी विधानसभा सिहोरा को टारगेट कर रही है और कह रही कि सिहोरा में बेरोजगारी बढ़ी है, कांग्रेस का मान बैठी है, इसलिए ये पार्टी दृष्टि से ये विरोध कर रही है। अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है और केंद्र में आई है, जब से ही विकास की प्यार बह रही है। हमने कॉलेज को उत्कृष्ट कॉलेज बनाने का काम किया, छात्रावास निर्माण कार्य कराने का काम किया, 3 नालों अभी सिहोरा में बन रहे हैं, डिवाइडर का काम चालू है, पार्क का निर्माण चालू है, और पानी की कमी थी, सबसे ज़्यादा पानी की कमी थी, कुंडम में 3 जलाशय बनवाने का काम किया, खेतों में पाइपलाइन बिछवाने का काम किया, 29 स्कूलों का, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन कराने का काम किया, 27 बिल्डिंगों का नए निर्माण मैंने कराया, और रोडों का जाल बिछाने का काम मैंने किया, बेटा बेटियों को शिक्षा के स्तर देने का काम मैंने किया, और अभी कुंडम में ITI 12 करोड़ का ITI का भूमि पूजन, और CM राइजिंग स्कूल सिहोरा में उसका भूमि पूजन, और कुंडम में भूमि पूजन, अभी हमने 25 करोड़ के स्कूलों का भूमि पूजन हमने किया है, और 4 हॉस्पिटल मझगमा, अरे सैंक्शन के बाद भूमि पूजन किया है, सैंक्शन के बाद भूमि पूजन किया है, निर्माण कार्य भी चालू है, निर्माण कार्य चालू है, ठीक है, निर्माण कार्य चालू है, ठीक, आप मत बोलिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए। नंदिनी जी एक मिनट, दिनेश जी एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी को माइक दीजिए, मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब ऐसे विकास की ब्यार और नाली और नर्दा और सड़क और स्कूल और कॉलेजों की ब्यार बह रही है, और बजरंगबली तो आएंगे, बजरंगबली ही आएंगे, बजरंगबली है वो कर्नाटक का, मत बताओ, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, एक मेरा आपसे प्रश्न है, क्या बात कर रहे हो तुम नंदिनी जी, प्लीज अपने सहयोगियों को भी, अपने सहयोगियों को भी मिला है, जो वोट हमको मिलती थी वो वोट हमको मिला है, प्लीज दिनेश जी, प्लीज दिनेश जी, देखिए आप ये कह रहे हैं लगातार, आप ये बता रहे हैं कि हमने लगातार काम किया और हमारी सरकार जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर महाकौशल की बात करें, जहां पर हम बैठे हैं उसके केंद्र में जबलपुर में, तो 2018 में तो आप बहुत पीछे रह गए थे, अब आपसे अगर जनता जानना चाहे महाकौशल की, तो किस विजन के साथ आप 2023 में जा रहे हैं? आप तो ये मानते हैं ना 18 में बहुत पीछे रह गए थे कांग्रेस से,
देखिए अभी कुछ मुद्दे आए थे रोजगार को लेकर, बहन ने बात करी, रोजगार की बात कर रहे थे कि कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार का विजन है लोगों को रोजगार, लोगों को समृद्ध बनाना। अरे मैं कहता हूँ कांग्रेस के बंधु हो तुम, नौकर क्यों बनाना चाहते हो हमारे युवाओं को? मालिक बनाओ उनको, खुद को रोजगार करने के लिए मालिक बनाइए, वो काम हमारी सरकार करे। अभी मैं आज कल ही हमने 140 करोड़ रुपए अपनी विधानसभा में बांटे, 1000 करोड़ रुपए का लोगों को रोजगार दिया। हर महीने मध्य प्रदेश में 1,00,000 लोगों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा रही हमारी सरकार। आप प्रदेश की बात अच्छा करते एक हो मिनट, एक मिनट आप देश की बात करते हो। देखिए हमारी टीम चुनावी चौपाल के जरिए आप लोगों के पास तो आई थी, अब जन कारवा के जरिए भी आपके साथ आपके पास आ रही है। 29 तारीख से उज्जैन से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जन संवाद है जो आप इन लोगों को चुने हैं, ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी बात भी तो सुन लीजिए। दिनेश जी कंटिन्यू, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था आपसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने जनहितैषी योजनाओं को लॉन्च किया और बहुत काम किया, तो जाहिर सी बात है ये जो जनता है तो 2018 में इसने आपको पीछे कर दिया था ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ 23 में आपकी क्या रणनीति है, वहीं आ जाता हूँ इसी सवाल पर, चूंकि आपने इसका उत्तर नहीं दिया। देखिए अभी आप विजन को लेके बात कर रहे हैं और 2018 हमारे महाकौशल पीछे की बात कर रहे हैं। आप बताइए एक समय था पूर्व की सरकारों के समय में लोग कहते थे ये रोड गांव तक जा रही है हमारे शहर से, आज हमारे गांव की इतनी अच्छी रोड हो गई है हर गांव का आदमी बोलता ये रोड हमारे अब फलाने शहर तक जा रही है, अने सक्षम हो गया हमारा किसान, हमारा गाँव का व्यक्ति, अब उस रोज को उसकी गाँव की पहचान है कि हम जा रहे हैं जबलपुर। अब ये नहीं है कि हम गांव जा रहे हैं भैया, हमारे गांव जा रहे हैं जबलपुर से। ये हमारा सबसे बड़ा विजन था कि गांव गांव में जो सड़कें बनी जिसके वजह से सिवनी की बात आप कर रहे हैं, पूरे अपने महाकौशल की बात कर रहा हूं मैं, okay. मैं महाकौशल की बात कर रहा हूं। पहले हमारे गांव में जाने में लोगों को एक एक दिन दो दो दिन लगते थे कई गाड़ियों से, किराए की गाड़ियों से। आज आप देख रहे हो हमारे ऐसा अधिकांश लोगों के पास स्वयं के साधन है, संसाधन है, कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति मजबूत बनी लोगों की, लोग किराए की गाड़ियों में चलते थे। आज स्वयं के लोगों के आप गांव में जाइए ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिनके पास ट्रैक्टर ना हो, कार जीप ना हो, मोटरसाइकिल ना हो। कहीं ना कहीं कोई विजन है जिसकी वजह से लोग सक्षम बने। हमारी विकास की धुरी तो दौड़ाई है हमारी सरकार ने, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र की, लेकिन लोगों को सक्षम बनाने का काम भी मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार ने किया है, लोग सक्षम। लेकिन इसमें एक कड़वा सत्यता बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की जो नीति और रीति थी आपने देखा होगा, एक अब इंदिरा आवास योजना चलाई, आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में अंतर देखिए आप। उस समय जब इंदिरा आवास थी वो झोपड़ी बनती थी, उसमें दलाली होती थी, उनके खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं ठीक है हम एकता जी से लेते हैं, लेकिन आज की जो मजबूती है जनता कहेगी कि आप लोग तो दो दो हो गए, एक बीजेपी के और एक बीजेपी के विधायक, इधर कांग्रेस की युवा नेता है, बहन को बलवान मानता हूं, पक्षपात नहीं होना चाहिए, बहन को मौका दीजिए। एकता जी बोले बहन, नंदनी जी आ रहा हूं चूंकि आप ही के बीजेपी से थे वो, उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपसे एकता जी जानना चाहता हूँ, देखिए वो बोल रहे हैं कि हमारा विजन ये है कि हम सड़क मार्ग को बेहतर किए, विकास लगातार ला रहे हैं, ओवर ब्रिज ला रहे हैं, और जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हम यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और पहले से स्थिति बदली है। आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, और आपका विजन, कांग्रेस का विजन, चूंकि हम लोग अंतिम सिरे में है, अंतिम बहस में है इसमें। देखिए मैं बताना चाहती हूँ, मूलभूत सुविधाएं ठीक हैं, हो रही हैं, सड़क पे कार्य हो रहे हैं, मगर अगर मैं बात करूं बहुत सारी योजनाएं वो सिर्फ कागजों पे चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जैसे कागजों पे चल रही हैं। आप इनने बात करी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना की, आज जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं उसमें लोग कर्जदार होते जा रहे हैं। 1,20,000 रुपये गाँव में मिलता है, 1,20,000 में आज बताइए महंगाई मोदी राज में इतनी है, शिवराज मामा जी ने इतनी बढ़ा दी है, आप बताइए क्या 1,20,000 में घर बन पाएंगे? आज वो इंदिरा आवास जब दिया था तब आप पता कर सकती हैं कितनी थी। दूसरी बात मैं बात करूंगी, प्लीज इनकी बात सुन लेते हैं, सब सारे जितने घर बनवा रहे हैं वो कर्जदार होते जा रहे हैं गाँव के लोग। कमलनाथ जी जब यूपीए में भारी उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने हरगढ़ क्षेत्र का निर्माण कराया सेज में, इनसे पूछिए 2016 में उसको डी नोटिफाइड क्यों कर दिया गया, वहाँ रोजगार क्यों उपलब्ध नहीं है,
आज वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन ओर है सिहोरा विधानसभा में। उसके बाद भी वो जो कच्चा माल है वो बाहर जाता है और उसके बाद सरिया और बाकी चीज़ें बनने के आती हैं। तो आखिर वहाँ छोटे बड़े उद्योग लग के वहाँ के लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिल रहा है, सिहोरा जिला क्यों नहीं बन रहा है? एक मिनट, अब नंदिनी जी से देखिए, एक चूँकि ये हमारा अंतिम सवाल है आपसे नंदिनी जी, दो बातें सामने हैं जो कांग्रेस के तौर जरिए उठाई गई है। एक वो कह रही कि रोज़गार, और दूसरी कह रही है महंगाई, इससे जनता बहुत त्रस्त है, रोजगार और महंगाई। किसानों की भी बात करो, एक बार किसानों की भी बोल दीजिएगा, किसान आज परेशान। सम्मान निधि मिल रहा है बहन जी, हमारी सरकार में 6000 रुपया साल में किसान के खाते में आ रहा है किसान सम्मान निधि। आपकी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को सशक्त बनाने के लिए, उनके अनाज को समर्थन मूल्य में हमारी सरकार खरीद रही है, तभी से तो हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। और इस सेशन के लिए इतना ही समय है, धन्यवाद। तो महंगाई, बेरोजगारी, विकास के बारे में बात हुई इस पांचवें सेशन में। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है, अब आप तय कीजिएगा, चूंकि जनता सर्वोपरि है ये आप बहुत भले से जानते हैं। आप जिसको चाहे उसको सरकार बना सकते हैं और जिसको चाहे उसे सरकार उखाड़ सकते हैं, यानी गिरा सकते हैं, आपके पास ताकत है। बहुत शुक्रिया इस मंच पर, जनसंवाद के इस मंच पर आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।